अब चर्चा करेंगे ऑपरेशन सृष्टि की। कल दोपहर को सृष्टि बोरवेल में गिरी, उसके बाद से उसे बोरवेल से बाहर निकालने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। दिन रात अधिकारी कर्मचारी जुटे हुए हैं, लेकिन एनडीआरएफ एसडीआरएम और सेना के जवानों को अब तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। रोबोटिक मशीनों का इस्तेमाल अब किया जाएगा। आर्मी अपने मैकेनिज्म से बाहर निकालने की कोशिश भी कर रही है। 125 फीट पर सृष्टि के फंसे होने की जानकारी मिल रही है। लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो कि निराशा ही पैदा करती हैं। रेस्क्यू टीमों को अभी तक कामयाबी हाथ नहीं लगी और इसी वजह से चिंता भी लगातार बढ़ती हुई। बच्ची में मूवमेंट भी काफी लंबे समय से नहीं देखा गया है। दूसरी तरफ खुदाई को लेकर जब कहा गया कि वाइब्रेशंस बच्चे की वजह से बच्ची बहुत ज्यादा नीचे धसक रही है, तो वाइब्रेशंस ना हो इस वजह से जेसीबी मशीनों को यहाँ से हटाया गया। उसके बाद ये कोशिश की गई कि हुक के जरिए उसे लिफ्ट अप किया जा सके, उसमें भी नाकामयाबी। लेकिन उसके बाद आर्मी के जवान लगातार इस कोशिश में जुटे हुए हैं। दिन रात लगातार जवान कोशिश कर रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात हैं। कुछ ऐसे स्पेशल इक्विपमेंट्स और कुछ ऐसे रोबोटिक मैकेनिज्म वाले इक्विपमेंट्स जिन्हें नीचे डाला गया है गड्ढे में, माना जा रहा है कि उनसे लिफ्टअप किया जा सकेगा। सही के वासु चौरे लगातार जमीनी स्तर पर मौजूद हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जानकारी सीधे हम तक पहुंचाएं। वासु, बहुत लंबा समय बीत गया है, दिन रात मेहनत की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद कोई खास सफलता नजर नहीं आती। अपडेट क्या कुछ है आपके पास फिलहाल? बिल्कुल अवंतिका, देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को चलते हुए आज लगातार दूसरी रात है और 30 से 35 घंटे का जो समय है वो भी अब बीत चुका है और जो बच्ची है वो ऊपर आने की जगह लगातार उसकी जो डेप्थ है फंसने की वो बढ़ती जा रही है। कल तक 30 फीट थी, 50 हुई, 70 हुई, 100, आज दोपहर तक जो 100 फीट के पर बच्ची के फंसे होने की खबर आ रही थी, अब वो 125 तक पहुंच गई है। और चिंताजनक बात यह भी है कि वहां पर कुछ पानी भी के होने की, कुछ कीचड़ होने की जो संभावना है वो भी अब जताई जा रही है। लेकिन देखिए आप, आर्मी की टीम जो है वो लगातार कोशिश कर रही है और ये एक्सक्लूसिव विजुअल मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि एक पाइप और उसमें एक हुक को कनेक्ट करके मुझे लग रहा है कि अंदर एक बार फिर से डाला गया है, जिसके जरिए ये कोशिश है कि बच्ची को एक बार फिर से हुकअप किया जाए। ये पाइप आपको यहां पर नजर आ रहा होगा, यानी कि अब पुलिस की, माफ कीजिएगा, आर्मी और जो बचाव दल है उनकी प्राथमिकता यही है कि गड्ढा करने के बाद ड्रिल करके एक पैरेलल टनल बनाने से ज्यादा बेहतर यह है कि बच्ची को जो बोरवेल है वहीं से ऊपर की तरफ लिफ्टअप किया जाए, और उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स का जो इस्तेमाल है वो यहां पर लगातार किया जा रहा है। दूसरी ओर मैं थोड़ी देर पहले तक यहां पर ड्रिलिंग का काम भी जारी था, लेकिन अब ड्रिलिंग का काम जो है वो रोक दिया गया है। करीब 45 फीट तक पैरेलल ड्रिल हो गया है, लेकिन इसको अगर आपको बच्ची को ड्रिल करके ही अगर बाहर निकालना है तो 100 फीट तक खुदाई करनी होगी और 100 फीट से भी कहीं ज्यादा खुदाई अब करनी होगी, क्योंकि बच्ची लगभग 125 फीट पर जा चुकी है। वो जो करना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो कोशिश यही है कि अब बच्ची को किसी तरह से ऊपर से खींच कर बाहर निकाला जाए, और उसके लिए अलग अलग तरीके के जो जतन है वो किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र से, दिल्ली से कुछ और एक्सपर्ट्स को लाने की बात भी कही जा रही है, रोबोटिक हैंड्स भी लाने की बात कही जा रही है। प्रदीप चौहान मेरे साथ हैं, हमारे सहयोगी हैं। प्रदीप, क्या स्थिति अभी फिलहाल यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कोई बड़ी कामयाबी तो हाथ लगी नहीं है, चारों तरफ निराशा है? देखिए, जिस तरह से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और मिलिट्री का ज्वाइंट वेंचर में जो ऑपरेशन चल रहा है, ये इस बात का प्रतीक है कि जो तीनों ही दस्ते हैं वो बहुत ईमानदारी के साथ में ये उनका प्रयास है कैसे भी करके सृष्टि जो अंदर है उसको ऊपर लाया जाए। और इसी कड़ी में जो अभी आप ये देख रहे हैं सामने, जो एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 दिखा रहा है, पीएचई की स्पेशल पाइप यहाँ पर लाए गए, जो पाइप नीचे अंदर उतारे जा रहे हैं। इस पाइप के नीचे एक अम्ब्रेला सेट है जिसके ऊपर हैंड में उसका कनेक्शन बना हुआ है। अगर बच्ची के नीचे पहुंचकर वो अम्ब्रेला खोल दिया जाता है तो बच्ची फिर लॉक हो जाएगी, यदि ऊपर खींच के लाया तो बच्ची बहुत आसानी से बाहर आ जाएगी। तो अभी जो कैमरा चल रहा है, लेकिन दिक्कत की बात रेस्क्यू ऑपरेशन में जो सूत्र जुड़े हुए, इन लोगों से बात चल रही है, जुड़े हुए अधिकारी एनडीआरएफ की टीम से मेरी बात हुई, उनका ये कहना बन रहा है कि जो अंदर की स्थिति है उसमें ये बन रहा है कि 100 फीट के नीचे पानी दिखाई दे रहा है, तो पानी की वजह से बस यही सबसे बड़ी परेशानी। इस बात का अंदेशा पहले भी था कि अगर यहां पर पानी आ जाता है कीचड़ की वजह से परिस्थितियां और ज्यादा कठिन हो सकती हैं। अब इसी ओर ये दृश्य जाता हुआ नजर आता है वासु, बहुत कठिन परिस्थितियां, लेकिन प्रार्थना का दौर लगातार चल रहा है। आप भी नजरें लगातार बनाए रखिएगा, लगातार वासु भी रिपोर्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल ये तस्वीरें हम तक।